हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा नर्सिंग क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर मेनिनजाइटिस। यानी जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेनिनजाइटिस। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो मेनिनजाइटिस है उसकी डेफिनेशन की, ईटियोलॉजी के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, साइन सिम्टम के बारे में, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में और जो इसका मैनेजमेंट है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है मेनिनजाइटिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो जो मेनिनजाइटिस है उसकी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेनिनजाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिनजियल लेयर। यानी जो मेनिनजियल लेयर है उसका जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है, यानी मेनिनजाइटिस क्या है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिनजियल लेयर। यानी जो मेनिनजियल लेयर है उसका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना वो क्या कहा जाता है, मेनिनजाइटिस। कौन कौन सी लेयर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। यानी जो ड्यूरा मैटर है, अरेक्नोइड मैटर है और जो पाया मैटर है उनका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वो क्या कहलाता है, मेनिनजाइटिस। मेनिनजियस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। और जो मेनिनजियस है वो क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की। यानी जो मेनिनजियस है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इन्फेक्शन से बचाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिनजियल लेयर। जैसे ड्यूरा मैटर है, अरेक्नोइड मैटर है और पाया मैटर है, इन तीनों लेयर का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन वो क्या कहलाता है, मेनिनजाइटिस। और जो मेनिनजियस है वो क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्रेन और स्पाइनल कोड की। अब बात करते हैं लेयर ऑफ मेनिनजियस। जो मेनिनजियस है उसकी तीन लेयर होती है। फर्स्ट है ड्यूरा मैटर, जो आउटर लेयर होती है ये नॉट अफेक्टेड। यानी जो ड्यूरा मैटर है वो इसके अंदर, जो मेनिनजियस है उसके अंदर अफेक्टेड नहीं होती है। सेकेंड है अरेक्नोइड मैटर, जो मिडिल लेयर होती है। और थर्ड है पाया मैटर, ये इनर लेयर होती है। ये दोनों लेयर क्या होती है, मोस्टली अफेक्टेड होती है। जो मेनिनजाइटिस की कंडीशन के अंदर जो अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर है ये दोनों लेयर मोस्टली अफेक्टेड होती है। तो जो मेनिनजियस है उसकी थ्री लेयर होती है। फर्स्ट होती है ड्यूरा मैटर, जो आउटर लेयर होती है। सेकेंड होती है अरेक्नोइड मैटर, जो मिडिल लेयर होती है। और थर्ड होती है पाया मैटर, वो क्या होती है, इनर लेयर होती है। तो जो मेनिनजियस है, मेनिनजाइटिस है, उसके अंदर जो ड्यूरा मैटर है वो मोस्टली अफेक्टेड नहीं होती है, और जो अरेक्नोइड मैटर और जो पाया मैटर है ये मोस्टली अफेक्टेड होती है। और जो अरेक्नोइड मैटर और जो पाया मैटर है इन दोनों के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस। और इस स्पेस के अंदर ही CSF प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। जो मेनिनजाइटिस है उसके ईटियोलॉजी की बात करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है यानी ईटियोलॉजी या टाइप। तो जो ईटियोलॉजी के आधार पर फर्स्ट टाइप है उसका है बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस। द बैक्टीरिया माइग्रेट इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थ्रू ब्लड और मे बी डायरेक्टली थ्रू द ईयर इन्फेक्शन और फ्रैक्चर ऑफ स्कल। यानी बैक्टीरिया ब्रेन तक कैसे पहुँचता है। फर्स्ट है इसके अंदर ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के थ्रू कैसे पहुंचता है। बॉडी में कहीं भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ हो तो वहां पर बैक्टीरिया ब्लड में एंट्री करेगा और ब्लड में एंट्री करने के बाद ब्रेन तक पहुंचेगा। सेकंड है ईयर इन्फेक्शन, यानी ईयर के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो, जैसे ओटाइटिस मीडिया है, तो वहाँ से बैक्टीरिया ब्रेन में पहुँच सकता है। थर्ड है इसमें फ्रैक्चर ऑफ स्कल, यानी स्कल में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर या इंजरी हुई तो उस कंडीशन में क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू बैक्टीरिया ब्रेन में पहुँच जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। यानी जो बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो ब्रेन तक कैसे पहुँचता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक कैसे पहुँचता है। तो फर्स्ट पहुँचता है ब्लड के थ्रू,
सेकंड पूछता है ईयर के थ्रू, एयर इन्फेक्शन के थ्रू, और थर्ड है फ्रैक्चर ऑफ स्कल। इन तीनों के द्वारा जो बैक्टीरिया है वो इस ब्रेन और स्पाइनल कोड तक पहुंचता है। इसके अंदर कौन कौन सी बैक्टीरिया है, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये तीन तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्टली मेनिनजाइटिस कोज करते हैं। तो ये था फर्स्ट था बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, यानी बैक्टीरिया है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड तक कैसे पहुंचता है। फर्स्ट पहुंचता है ब्लड के थ्रू, सेकेंडली पहुंचता है ईयर के थ्रू, और थर्ड है स्कल फ्रैक्चर के थ्रू। और इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया है जो मेनिनजाइटिस कोज करते हैं, तो मोस्टली थ्री बैक्टीरिया है जो मेनिनजाइटिस कोज करते हैं, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये तीनों बैक्टीरिया बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस कोज करते हैं। सेकेंड है वायरल मेनिनजाइटिस, इट इज लेस सीवियर एंड अकर इन इम्यून सप्रेसिव कंडीशन कोज बाय मम्स, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस। यानी जो वायरल मेनिनजाइटिस है वो क्या होता है, लेस सीवियर कंडीशन होती है। और जैसे मान लो बॉडी में किसी भी प्रकार का वायरस का इन्फेक्शन हुआ हो तो वहाँ से ब्रेन में पहुँच जाता है और मेनिनजाइटिस कोज कर सकता है। जो वायरल मेनिनजाइटिस है वो लेस सीवियर होता है, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलती है। और इसके अंदर कौन कौन से वायरस होते हैं, जैसे मम्स है, मिजल्स है, इन्फ्लुएंजा है और वेरिसेला जोस्टर वायरस है, यह क्या करते हैं, वायरल मेनिनजाइटिस कोज करते हैं। थर्ड है फंगल मेनिनजाइटिस, यानी जो फंगल मेनिनजाइटिस है यह क्या होता है, इट इज लेस सीवियर कंडीशन। यह क्या होती है, लेस सीवियर कंडीशन होती है। जैसे एग्जांपल है द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव फंगाई आर क्रिप्टोकोकस एंड कैंडिडा। जो क्रिप्टोकोकस और कैंडिडा है वो मोस्टली फंगल मेनिनजाइटिस कोज करते हैं। तो ये जो फंगस है जो मेनिनजाइटिस कोज करता है, कैंडिडा और क्रिप्टोकोकस। तो ये थ्री टाइप थे, जैसे फर्स्ट था बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस, सेकंड था वायरल मेनिनजाइटिस और थर्ड था फंगल मेनिनजाइटिस, जो क्या कोज करते हैं, मेनिनजाइटिस कोज करते हैं। अब बात करते हैं अदर कोज की। फर्स्ट है स्कल फ्रैक्चर, यानी स्कल में कोई भी फ्रैक्चर हो जाए या इंजरी हो जाए तो इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू ब्रेन में पहुँच जाता है। नेक्स्ट है हेड इंजरी, यानी हेड के अंदर कोई भी इंजरी हुई हो, ओपन हेड इंजरी हुई हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है। स्पाइनल कोड इंजरी, अगर हमारी स्पाइनल कोड में कोई भी इंजरी हो जाए यानी एक्सीडेंट के दौरान, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इन्फेक्शन अंदर तक पहुँच जाता है और डिजीज कोज करता है। साइनसाइटिस, यानी जो साइनस है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, तो यह भी क्या करता है, डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाता है और इन्फेक्शन कोज करता है। अब बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। फर्स्ट हमने डेफिनेशन की बात कर ली, सेकंड इसकी एटियोलॉजी की बात कर ली, अब थर्ड बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरिया कैसे ब्रेन के अंदर पहुंचता है और डिजीज कोज करता है। तो इसके अंदर है ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर करता है, और उस वजह से बैक्टीरिया या जो वायरस है वो ब्लड के अंदर एंट्री करेगा और ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंचेगा। तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फेक्शन रीच इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उनकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचेगा और ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंचेगा, और ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है जो ब्रेन में अननेसेसरी सबस्टांस को आने से रोकता है। बट जो असेंशियल सबस्टांस होते हैं वो ही ब्रेन तक जा पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एबनॉर्मल तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएंगे ब्लड में आने के बाद में। यानी जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर है उनकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगा, और ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद में क्या होगा, अब जो नेक्स्ट जो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गए, अब ये मेनिनजाइटिस में मेनिनजेज है
अब जो मेनिंजियस है उसमें इन्फेक्शन कोज करेंगे। इन्फ्लामेशन अकर इन द मेनिंजियस, यानी जो मेनिंजियस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी जो मेनिंजियस है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर मेनिंजियस में इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट में हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, रिस्पॉन्स देगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लामेशन बोलेंगे। और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगी, स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, जो सब अरेक्नोइड स्पेस है उसका जो पाथवे है वो नेरो हो जाएगा और सीएसएफ का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, और जिस वजह से सीएसएफ ब्रेन में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, यानी रिड्यूस ब्लड सप्लाई एंड आल्सो रिड्यूस परफ्यूजन इन सेरिब्रल एरिया, यानी जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो परफ्यूजन सेरिब्रल परफ्यूजन एरिया है वो भी क्या नेरो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सीएसएफ फ्लो कर रहा है उसका पाथवे नेरो हो जाएगा और प्रॉपर मात्रा में जो सीएसएफ है उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से जो सीएसएफ है ब्रेन में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जो यानी जो आईसीपी है वो इंक्रीज हो जाएगा और मेनिंजाइटिस कॉज करेगा। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। एक बार फिर दोबारा इसको बता देते हैं, यानी जो भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उसकी वजह से जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर एंट्री करता है, और उस वजह से जो बैक्टीरिया या जो वायरस है वो क्या करेगा, ब्लड के अंदर एंट्री करेगा और ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुंचेगा, और ब्रेन में पहुंचने के बाद ब्रेन में ब्रेन बैरियर पाया जाता है, यानी जो बैक्टीरिया है वो ब्लड के थ्रू ब्रेन में पहुँचने के बाद ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर पाया जाता है, जो ब्रेन के अंदर अननेसेसरी सबस्टांस आने को रोकता है, बट जो असेंशियल सबस्टांस होते हैं वो ही ब्रेन तक जा पाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एबनॉर्मल तरीके से जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसको क्रॉस कर जाते हैं ब्लड में आने के बाद में। और नेक्स्ट क्या होता है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गए, अब ये मेनिंजियस में इन्फेक्शन कोज करेंगे, यानी उसके अंदर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। और अगर मेनिंजियस में इन्फेक्शन होगा तो उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी रेस्पॉन्स देगी, यानी इम्यूनिटी बनाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन होगा, और इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग की वजह से क्या होगा, जो सब अरेक्नोइड स्पेस है उसका पाथवे नेरो हो जाएगा और सीएसएफ का सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, सीएसएफ ब्रेन में सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से ब्रेन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा और मेनिंजाइटिस कोज होएगा। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स की, यानी जो मेनिंजाइटिस है उसके कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर है हॉलमार्क साइन, इसके अंदर फर्स्ट है नक्कल रिजिडिटी, यानी इसका फर्स्ट है नक्कल रिजिडिटी। नक्कल रिजिडिटी का मीन्स होता है स्टिप नेक, यानी जो नक्कल रिजिडिटी है उसका क्या मीन्स होता है, स्टिप नेक मीन्स जो पर्सन है उसकी जो नेक है वो हार्ड हो जाएगी, और उसमें उसके अंदर क्या होगा, जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा, यानी जो पेशेंट है उसकी नेक इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी जो उसमें जो मेनिंजियस होती है उसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होगा, तो मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। तो इसका हॉलमार्क साइन है वह है नक्कल रिजिडिटी या स्टिप नेक। नेक्स्ट है हॉलमार्क सिम्टम, जो हॉलमार्क सिम्टम है वो कौन कौन से है, फीवर, यानी इसके अंदर जो इन्फेक्शन है वो प्रजेंट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगी। हेडेक होगा, यानी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से जो पेशेंट है उसमें हेडेक की कंडीशन देखने को मिलेगी। कन्फ्यूजन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कन्फ्यूजन की कंडीशन देखने को मिलेगी। इरिटेबिलिटी होगी, यानी पेशेंट है वो चिड़चिड़ा फील करेगा। नोजिया होगा, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। फोटोफोबिया, यानी जो मेनिंजाइटिस की कंडीशन में जो पेशेंट है उसको फोटोफोबिया की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी फियर फ्रॉम लाइट, यानी जो पेशेंट है उसको लाइट से डर लगेगा। फिनोफोबिया, फियर फ्रॉम लाउड नॉइस, यानी जो पेशेंट है उसको
ज़्यादा आवाज़ से डर लगेगा, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इसके अंदर दो मेन सिम्टम है, वो है पॉजिटिव कर्निंग साइन और ब्रुजकिन साइन, यानी इसके अंदर दो साइन है वे मोस्ट एग्जाम में पहुँचे जाते हैं। यानी जो फर्स्ट है पॉजिटिव कर्निंग साइन और सेकेंड है ब्रुजकिन साइन, ये दोनों साइन है वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट है पॉजिटिव कर्निंग साइन, ए साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन एविडेंस बाय रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड पेन इन द हार्मस्ट्रिंग मसल्स व्हेन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड लेग आफ्टर द फ्लेक्शन ऑफ द हिप। यानी ये देखिए डायग्राम है इसका, यानी जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं इसमें ये जो नर्स है वो क्या कर रही है, जो पेशेंट है उसके पैर को इस तरह ऊपर कर रखा है। इसमें सबसे पहले इस हाथ से, यानी जो ये हाथ है उसमें पेशेंट के हिप को ऊपर की साइड करेगी, यानी जो ये हाथ है उसमें पेशेंट का जो ये हिप वाला एरिया है उसको ऊपर करेगी, ऊपर की साइड में फ्लेक्स करेगी। और जो हिप को फ्लेक्स करने के बाद जो सेकंड लेग गई है, सेकंड जो लेग को ऊपर की तरफ खींचा जाता है, यानी इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो नर्स है वो इस हाथ से पेशेंट के हिप को ऊपर की साइड में फ्लेक्स करेगी, और हिप को फ्लेक्स करने के बाद जो सेकंड जो लेग है उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड किया जाता है। तो जो हिप को फ्लेक्स करने के बाद और जो लेग को इस तरह एक्सटेंड करने के बाद जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, यानी जो पेशेंट को हार्म स्ट्रिंग मसल्स के अंदर पेन होगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव कर्निंग साइन। यानी ये देखिए जो नर्स पेशेंट है वो पहले क्या होता है, सुपाइन पोजिशन में होते हैं, फिर जो नर्स है वो क्या करती है, पेशेंट का जो हिप वाला एरिया है उसको इस तरह इस हाथ से ऊपर की तरफ फ्लेक्स करेगी, उसके बाद में हिप को फ्लेक्स कर दिया, उसके बाद में क्या करेगी, सेकंड जो हाथ है इसको इससे जो लेग वाला पार्ट है उसको ऊपर की तरफ खींचेगी, यानी इसको एक्सटेंड करेगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हिप को फ्लेक्स करने के बाद और जो लेग है उसको एक्सटेंड करने के बाद जो पेशेंट है उसको जो हार्मस्ट्रिंग मसल्स हैं उसके अंदर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कर्निंग साइन। तो यह है पॉजिटिव कर्निंग साइन। एक बार फिर से देखिए, यानी जो पॉजिटिव कर्निंग साइन है उसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो पहले सुपाइन पोजीशन में होता है, और जो नर्स है वो क्या करती है, फिर जो पेशेंट है उसके पैर को जो हिप वाला एरिया है उसको ऊपर करती है, यानी ऊपर की ओर फ्लेक्स करती है, और सेकंड हाथ से जो ये पैर वाला पोर्शन है उसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करती है। यानी जो हिप वाले हिप को तो फ्लेक्स करने के बाद और जो लेग है उसको एक्सटेंड करने के बाद जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, यानी जो हार्म स्ट्रिंग मसल्स है उसके अंदर पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कर्निंग साइन। नेक्स्ट है ब्रुजकिन्स की साइन। जो ब्रुजकिन्स की साइन है उसके अंदर क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ हिप व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। यानी इसके अंदर देखिए जो ये नर्स है और ये पेशेंट है, यानी पहले पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, उसके बाद में इसमें क्या करती है, जो नर्स होती है वो पेशेंट को पेशेंट की जो नेक है उसको फ्लेक्स करती है, जो पेशेंट की जो नेक है उसको फ्लेक्स करती है, नीचे से हाथ रखकर ऊपर की तरफ उठाती है। यानी जो नर्स है वो पेशेंट की नेक के नीचे हाथ रखकर उसको ऊपर की तरफ फ्लेक्स करती है, तो पेशेंट का जो हिप एरिया है और जो लेग है, यानी ये हिप और जो लेग वाला एरिया है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्लेक्स हो जाता है, यानी ये ऑटोमेटिक फ्लेक्स हो गया और पेशेंट का जो पैर है वो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, यानी ये पैर है ये ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ब्रुजकिन साइन। यानी इसमें क्या होता है, जो नर्स होती है वो पेशेंट की नेक को फ्लेक्स करती है, नीचे से हाथ रखकर ऊपर की तरफ उठाती है, तो पेशेंट का जो हिप का एरिया है
और जो लेग्स है वो ऑटोमेटिक फ्लेक्स हो जाएंगे, और जो पेशेंट है उसका जो पैर है वो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रुजकिन साइन। तो ये दो साइन थे, पॉजिटिव कर्निंग साइन और जो ब्रुजकिन साइन, ये मेनिंजाइटिस के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट है इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी जो मेनिंजाइटिस है उसके जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर डायग्नोस्टिक लेक्शन, यानी जो पेशेंट की जो प्रेजेंट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है और जो मेडिकल हिस्ट्री है वो कलेक्ट करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी जो पेशेंट है उसकी हेड टू टॉय एग्जामिनेशन करना है। ब्लड कल्चर लेना है, इसके अंदर जो WBC काउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। CSF एग्जामिनेशन, यानी जो पेशेंट है उसके अंदर CSF एग्जामिनेशन किया जाता है, इसके अंदर इंक्रीज CSF प्रोटीन एंड इंक्रीज WBC काउंट। यानी CSF एग्जामिनेशन में क्या देखने को मिलता है, जो CSF प्रोटीन होती है और जो CSF और जो WBC काउंट है वो इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है CT स्कैन और MRI। नेक्स्ट है लंबर पंक्चर, यानी जो मेनिंजाइटिस है उस कंडीशन में लंबर पंक्चर किया जाता है। दिस टेस्ट इज डन बाई एस्पिरेट CSF फ्रॉम द लेवल ऑफ L3 एंड L4 वर्टिब्रा। यानी इसमें जो CSF है वो एस्पिरेट किया जाता है, जो L3 और L4 वर्टिब्रा है वहाँ से CSF कलेक्ट किया जाता है। तो ये थे इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब बात करेंगे प्रिवेंशन की, यानी जो मेनिंजाइटिस है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इसके अंदर है प्रिवेंट ओनली बाय इम्यूनाइजेशन एंड मेंटेन गुड हाइजीन। यानी जो मेनिंजाइटिस है वो ओनली इम्यूनाइजेशन और गुड हाइजीन की वजह से उसको मेंटेन किया जा सकता है। यानी प्रॉपर इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कराना है, गुड हाइजीन प्रोवाइड करा के और डिजीज से प्रिवेंट किया जा सकता है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मम्स, मिजल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा एंड TB। और जो इम्यूनाइजेशन कौन कौन से प्रोवाइड करने हैं, जैसे मम्स है, मिजल्स है, चिकन पॉक्स है, इन्फ्लुएंजा है और TB है, उसको प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन करवाना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब जो मेनिंजाइटिस है उसका मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसका मैनेजमेंट। तो इसके अंदर फर्स्ट है IV सिफेलोस्पोरिन ड्रग, जो IV सिफेलोस्पोरिन ड्रग है सेफ्ट्रियाजोन, वो क्या है, पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है IV रूट से। इफ इट इज नॉट इफेक्टिव देन वैनकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर जो सेफ्ट्रियाजोन है वो अगर इफेक्टिव नहीं हुई तो जो वैनकोमाइसिन है वो क्या करती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड थेरेपी फॉर रिड्यूस द इन्फ्लामेशन। वो स्टेरॉइड थेरेपी प्रोवाइड करनी है क्योंकि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए। एंटी पायरेटिक मेडिकेशन टू रिड्यूस फीवर, और फीवर को कम करने के लिए एंटी पायरेटिक मेडिकेशन है वो यूज में लेनी है। प्रोवाइड फ्लूड थेरेपी, और जो फ्लूड थेरेपी है वो प्रोवाइड करनी है। तो जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है वो है वैनकोमाइसिन। जो वैनकोमाइसिन है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस है, जो पेशेंट को दी जाती है IV रूट से। स्टेरॉइड थेरेपी है वो प्रोवाइड की जाती है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, और फीवर को कम करने के लिए एंटी पायरेटिक मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, और IV फ्लूड थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है वायरल मेनिंजाइटिस। इसके अंदर क्या किया जाता है, इन दिस टाइप ऑफ डिजीज एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव। यानी जो वायरल मेनिंजाइटिस है उसके अंदर जो एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव नहीं होती है। प्रोवाइड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इसके अंदर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। बेड रेस्ट प्रोवाइड की जाती है, ओरल फ्लूड दिया जाता है, न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड की जाती है, एंटी पायरेटिक मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है, एंटी इमेटिक ड्रग प्रोवाइड की जाती है, और एंटीवायरल एसाइक्लोवियर, जो एंटीवायरल ड्रग है एसाइक्लोवियर वो प्रोवाइड की जाती है, जो वायरल मेनिंजाइटिस से प्रोटेक्ट करती है।
नेक्स्ट है थर्ड है फंगल मेनिनजाइटिस। तो जो फंगल मेनिनजाइटिस है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, लॉन्ग एंड हाई डोज ऑफ एंटी फंगल मेडिकेशन आर इफेक्टिव। यानी जो एंटी फंगल मेडिकेशन है जिनकी लॉन्ग और हाई डोज है वो इफेक्टिव होती है, जैसे फ्लुकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, एम्फोटेरिसिन बी है, ये क्या है फंगल मेनिनजाइटिस को होने से प्रिवेंट करती है। तो ये था इसका मैनेजमेंट। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, यानी जो नर्स है वो क्या क्या रोल करती है मेनिनजाइटिस की कंडीशन के अंदर। मॉनिटर वाइटल साइन एंड न्यूरोलॉजिकल साइन, यानी जो नर्स है वो क्या करती है, जो वाइटल साइन है वो मॉनिटर करनी है करती है और जो न्यूरोलॉजिकल साइन है वो मॉनिटर करती है, यानी जो वाइटल साइन है उसको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है। असेस द साइन ऑफ इंक्रीजिंग ICP, यानी जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है उसके साइन को असेस करना है। इनिशिएट सीजर प्रिकॉशन, जो मेनिनजाइटिस है उसकी उसमें जो सीजर की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उसको प्रिवेंट करना है। मॉनिटर फॉर सीजर एक्टिविटी, और जो सीजर की एक्टिविटी है उनको मॉनिटर करना है, और पेशेंट को ओपन प्लेस पर रखना है यानी कोई भी किसी प्रकार की इंजरी नहीं हो, और उसके एयरवे को मेंटेन करना है। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ मेनिनजियल इरिटेशन, और जो मेनिनजियल इरिटेशन की कंडीशन है उसको मॉनिटर करना है। चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको चेक करना है, वो किससे चेक करते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा जो पेशेंट की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो चेक करते हैं। असेस पेरिफेरल वेस्कुलर स्टेटस, और जो पेशेंट का पेरिफेरल वेस्कुलर स्टेटस है वो चेक करना है। कीप आइसोलेशन रिक्वायर एंड इन्फॉर्म द फैमिली मेम्बर अबाउट कंडीशन ऑफ पेशेंट, अगर पेशेंट को आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको फैमिली मेम्बर को बताना है कि इसको आइसोलेट करके रखना है, और पेशेंट की कंडीशन को फैमिली मेम्बर को बताना है। मेंटेन यूरिन एंड स्टूल आउटपुट एंड चेक द इंटेस्टाइनल स्टेटस, और जो इनटेक और आउटपुट है वो चेक करना है, यानी पेशेंट पर डे कितना यूरिन पास आउट कर रहा है और कितना स्टूल पास आउट कर रहा है, और जो इंटेस्टाइन का जो स्टेटस है वो चेक करना है। मेंटेन रेस्पिरेटरी आइसोलेशन फॉर पेशेंट विथ न्यूमोकोकल मेनिनजाइटिस, और जो पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है वो पेशेंट को मेंटेन करना है, और जो न्यूमोकोकल मेनिनजाइटिस है उसे प्रिवेंट कराना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एज प्रेस्क्राइब्ड, और पेशेंट को एनाल्जेसिक ड्रग है वो प्रोवाइड करानी है डॉक्टर ऑर्डर के, जब डॉक्टर लिखते हैं उसके बाद में उसको एनाल्जेसिक ड्रग प्रोवाइड करानी है, यानी पेन से रिलीफ कराने के लिए। एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 30 degrees एंड अवॉइड नेक फ्लेक्शन एंड एक्सट्रीम हिप फ्लेक्शन, और पेशेंट का जो हेड है वो बेड से 30 degrees एलिवेट करना है, और जो नेक का फ्लेक्शन है उसको अवॉइड करना है, और जो हिप फ्लेक्शन है उसको भी अवॉइड करना है। एंट्री द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर टू मेंटेन अप्रोप्रिएट पर्सनल हाइजीन एंड असेस द पेशेंट इन एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी जो कोई भी फैमिली मेम्बर है वो पेशेंट के पास आता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, उसको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, और पेशेंट की जो डेली एक्टिविटी लिविंग है, यानी जो पेशेंट जो डेली एक्टिविटी है जैसे नहाना है, खाना खाना है, वो क्या करना है, जैसे दांत साफ करना है, वो प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से मेंटेन करनी है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन, यानी जो मेनिनजाइटिस की कंडीशन है अगर वो ट्रीट नहीं हुई तो फिर वो क्रोनिक कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, इंसेफेलाइटिस, यानी जो ब्रेन है उसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कंडीशन देखने को मिलेगी, डिलीरियम की कंडीशन देखने को मिलेगी, और जो पेशेंट है वो डीप स्टूपर की कंडीशन देखने को मिलेगी, और नेक्स्ट है कोमा एंड डेथ, और अगर कंडीशन सीवियर हो गई तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये थी इसकी कॉम्प्लिकेशन, इंसेफेलाइटिस, डिलीरियम, डीप स्टूपर, कोमा एंड डेथ। तो ये हमारा टॉपिक है मेनिनजाइटिस, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया इसकी डेफिनेशन की, इसके एटियोलॉजी की, इसके
साइन एंड सिम्टम के बारे में, इसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसके नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में और इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक मेनिंजाइटिस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।